हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइटिस के बारे में। ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक में सिर से लेके पांव तक, मतलब आप बोल सकते हैं कि सारे सिस्टम पे, सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करने वाली दवाई है। लेकिन उसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट्स स्किन पे, फीमेल के ऑर्गन्स पे और पेट की तकलीफों में बहुत अच्छे से यूज होती है। स्किन के लिए इसलिए बहुत अच्छी दवाई है, सबको जानना भी इसलिए जरूरी है कि लोग होम्योपैथिक में स्किन के परमानेंट इलाज के लिए आते हैं, एलर्जी के लिए आते हैं, बच्चों के डिजीज में आते हैं, सर्दी जुकाम का परमानेंट इलाज के लिए होम्योपैथिक में आते हैं। और होम्योपैथिक में जब भी स्किन डिजीज ट्रीट करना हो तो ग्रेफाइट इसका नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन मैं एक और भी बात बता दूं कि ग्रेफाइटिस यूज करने से स्किन में काफी एग्रावेशन आते हैं, और ये एग्रावेशन आए नहीं उसके लिए क्या करना और मैं किस तरह से उसको हैंडल करता हूं वो ये वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो जब भी ग्रेफाइटिस यूज करो आप उसके एग्रावेशन को ध्यान में रखिए। दोस्तों, आज वर्ल्ड नो टोबेको डे है, 31 मई वर्ल्ड नो टोबेको डे। हम सबको पता है कि टोबैको खाने से कितने नुकसान होते हैं, लेकिन एक और जो प्रॉब्लम मैंने देखा है वो है कि आपके दांत खराब हो जाते हैं, आपके मुंह से स्मेल आती है, तो आपकी जो एक इम्प्रेशन है वो एक डाउन हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी पे भी उसकी इफेक्ट आती है। लोग आपसे बातें करना अवॉइड करेंगे, मिलना अवॉइड करेंगे। बाकी तो हमें सब पता है कि कैंसर वगैरह जैसे भी रोग होते हैं, तो प्लीज नो टोबैको के दिन आप एक संकल्प कीजिए कि जल्द से जल्द हो सके इतने में टोबैको छोड़ने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ग्रेफाइटिस के बारे में। ग्रेफाइटिस मिनरल ग्रुप की मेडिसिन है और एक कार्बन में से बनती है, जैसे पेंसिल का लीड होता है वो एक कार्बन होता है, उसमें से ग्रेफाइटिस बनती है और कार्बन के यूज भी यहाँ मैंने दिखाया है। हम और भी दो दवाई जानते हैं, कार्बो एनिमलिस और कार्बोवेज, जो कार्बन में से बनती दवाई है तो वो भी एक ग्रेफाइटिस से रिलेटेड है। और ये ग्रेफाइटिस कार्बन कुछ अमाउंट में आयरन कंटेन करता है, इसलिए कुछ सिम्टम्स फेरम रिलेटेड भी है, फेरम ग्रुप की मेडिसिन को भी रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि ग्रेफाइटिस कैसे पेशेंट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली दवाई है। तो ग्रेफाइटिस फीमेल ऑर्गन पे, फीमेल के लिए, और ऐसी फीमेल की जो ओबेज हो, हेल्दी हो, ज्यादा वेट वाली हो। हम कैल्केरिया कार्प भी जानते हैं कि कैल्केरिया कार्प पेशेंट फैट, फैटी और फ्लैबी है, वैसे ही ग्रेफाइटिस पेशेंट फैटी होते हैं। और ग्रेफाइटिस के पेशेंट अगर फैटी हो, खास करके फीमेल, और उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो और कॉन्स्टिपेशन के साथ उनके पीरियड्स भी डिले आते हो, तो ग्रेफाइटिस का तो ओबेस पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन एंड डिलेड मेंसेस, ये बहुत अच्छे उसका आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन है। तो ऐसी फीमेल रेमेडी में ग्रेफाइटिस बहुत अच्छे से यूज होगी। हम मानते हैं कि पल्सेटिला है प्यूबर्टी एज की मेडिसिन है। प्यूबर्टी मतलब जब पीरियड शुरू होते हैं, तो 12, 13, 14 साल की गर्ल्स के प्रॉब्लम्स हो, उनको पीरियड्स रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम, तो पल्सेटिल हम ज्यादा यूज करते हैं। वैसे ही ग्रेफाइटिस मेनोपोज एज की मेडिसिन है, जब 40 के आसपास पेशेंट पहुंचते हैं, उसके पीरियड्स बंद होते हैं, होने आते हैं, तब जो प्रॉब्लम होता है, इसलिए ही पल्सेटिल एट प्यूबर्टी, ग्रेफाइटिस एज मेनोपोज एज या क्लाइमेट्रिक एज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पल्सेटिला 40 साल की औरत को नहीं दे सकते हैं, या ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रेफाइटिस 14 साल की गर्ल्स को नहीं दे सकते। होम्योपैथिक में कोई भी मेडिसिन किसी को भी हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फीमेल रेमेडी है, पल्सेटिला तो मेल को नहीं दे सकते, बच्चों की रेमेडी कैमोमिला सीना बड़े को नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी मेडिसिन अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैंने बताया कि स्किन सिम्टम्स की सबसे बढ़िया दवाई है, तो स्किन सिम्टम्स में एक्जिमा पे किलोइड्स, आपको पता है कि कोई स्कार हो गया है, आपको इंजेक्शन दिया हुआ है, वहां वो पार्ट स्वेल हो जाता है परमानेंट, उस पे एक
स्वेलिंग आ जाता है, मतलब उपसा हुआ पार्ट दिखता है वो किलोइड से, इस तरह से कि अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोमा, फाइब्रोमा मतलब बिनाइन ट्यूमर, जो कैंसर ट्यूमर नहीं है और सिर्फ सिंपल ट्यूमर है, उसके शुरुआत में आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक्ने, पिंपल्स, कहीं पर भी क्रैक्स हो गए तो क्रैक्स पर, अल्सर में, और अगर आपकी स्किन ठीक हो गई है, आपके नाखून ठीक हो गए हैं, मतलब तो उसमें आप ग्रेफाइटिस बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस की इफेक्ट एक्जिमा कहाँ पे ज्यादा कॉमनली दिखाई देता है, तो बैंड ऑफ द जॉइंट, जहां पे आपके जॉइंट्स बैंड होते हैं, या तो कान के पीछे, या तो ग्रोइंस एरिया में, या तो नेप ऑफ द नेक, मतलब पीछे के पोर्शन में, यहाँ ग्रेफाइटिस ज्यादा इफेक्ट करती है। और यहाँ एक्जिमा हो, और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, जब भी आपको ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब करना है तो इरप्शन ओजिंग आउट ए थिक हनी लाइक फ्लूइड, आपको पता है कि एक तो ड्राई इरप्शन होता है और दूसरा एक ऐसा इन्फेक्शन की वजह से या कोई भी वजह से उसमें से पानी निकलता है, मतलब चपचपा रहता है, कपड़े चिपक जाते हैं। तो जब एक्जिमा ऐसा हो, जिसको व्हीपिंग एक्जिमा हो बोलते हैं, तो जब ऐसा इरप्शन हो जहां से डिस्चार्ज निकलता हो, डिस्चार्ज भी कैसा हनी जैसा डिस्चार्ज निकलता हो, तो ग्रेफाइटिस का सबसे बड़ा इंडिकेशन है। ये सिम्टम्स बहुत जरूरी है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको ये, और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको ये जानना है, तो स्किन का एक्जिमा में काम करने वाली दवा है, और ज्यादातर बैंड ऑफ द जॉइंट में, और कान के पीछे, नेप ऑफ द नेक, ग्रोइन एरिया, और विद डिस्चार्ज ग्रेफाइटिस का इंडिकेशन है। और भी हम स्किन सिम्टम्स देखते हैं, तो उसको थोड़ा भी लगता है तो वो इंजरी पक जाता है, कुछ भी लगे तो बोलता है कि हम मुझे पस हो जाता है। इसके अलावा एक क्रैक्स की दवाई है, चीरे पड़ जाते हैं, कहाँ कहाँ चीरे होंगे, तो फिंगर्स पे चीरे हो जाएंगे, ब्रश के निपल पे चीरे हो जाएंगे, माउथ में चीरे हो जाते हैं, एनस में, टट्टी की जगह पे क्रैक्स हो जाते हैं, और उंगलियों के बीच क्रैक्स हो जाते हैं। तो एक क्रैक्स और फिशर्स की बहुत अच्छी दवाई है। अब हम स्किन सिम्टम्स देख लिए, हम फीमेल सिम्टम्स पे बात करेंगे। तो ये पेशेंट को, फीमेल को सेक्स करना अवॉइड करती है, दूसरा उसका सबसे ज्यादा मेंसिस पे हम ध्यान दे सकते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर है, लेट पीरियड है, और स्केंटी है, विथ वायलेंट कॉलिक, पेट में दर्द होता है, और अगर उसको उनके पैर गिले हो जाए तो भी उसके पीरियड लेट हो जाते हैं, पल्सेटिला जैसा ही सिम्टम्स है, और पीरियड्स के वक्त पेशेंट बहुत वीक फील करता है, और दूसरा कि पीरियड्स के वक्त आवाज बैठ जाती है, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, और जैसे प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, ऐसे ही सारे सिम्टम्स पीरियड्स के वक्त दिखाई देते हैं। पेशेंट का योनिमार्ग है वो ड्राई हो जाता है, और योनिमार्ग के आसपास भी उसको स्किन प्रॉब्लम होता है, एक्जिमा होता है, और उसकी वजह से खुजली आती है। ब्रेस्ट कैंसर की अच्छी दवाई है, और साथ में निपल में क्रैक्स हो जाना और निपल के आसपास भी स्किन इरप्शन हो जाना। फीमेल के वाइट डिस्चार्ज, जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से यूज होने वाली दवाई है कि प्रोफ्यूज एक्सकोरिएटिंग, मतलब जहां भी वो ल्यूकोरिया टच होता है तो वो स्किन आसपास की खराब हो जाती है, वहां ऐसा लगता है कि जलन होने लगती है, और साथ में बैक में पेन होता है। ये ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के बाद बढ़ जाता है, और कई बार क्या बोलते हैं पेशेंट कि मुझे हर 5 तारीख को वाइट डिश, सॉरी 5 तारीख को पीरियड्स की डेट है, लेकिन मुझे इस साल 5 तारीख को, इस मंथ 5 तारीख को पीरियड्स नहीं आए, लेकिन उसी डेट में मुझे वाइट डिस्चार्ज होने लगा। तो ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसिस ग्रेफाइटिस का अच्छा सिम्टम्स है। मेल के सिम्टम्स में भी बहुत अच्छी, सेक्सुअल ऑर्गन पे भी बहुत अच्छी इफेक्ट करने वाली दवाई है। पेशेंट की डिजायर बढ़ जाती है, इच्छा बढ़ जाती है, लेकिन वो सेक्स करने के काबिल नहीं होता है, उसकी डेबिलिटी, वीकनेस की वजह से वो कर नहीं सकता है, कई बार सेक्स करना भी अवॉइड करता है, और दूसरा कि जल्दी उसको डिस्चार्ज हो जाता है, और सेक्स करते करते भी उसको डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो चाहता है सेक्स एंजॉय करना लेकिन एंजॉय नहीं कर पाता है। हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल मतलब आपको पता है कि पेशाब के नीचे की जो थैली होती है वहां पानी भर जाना, सेक्स के वक्त उसको पैर में क्रैम्प्स आते हैं, और
नपुंसकता, इम्पोर्टेंस कब होता है पेशेंट की, बहुत उसने मास्टरबेट किया हो या तो बहुत सेक्स में इन्वॉल्व रहा हो, उसके बाद इम्पोर्टेंस ही आ जाती है। और साथ में ग्रोइंग्स एरिया में जब स्किन इरप्शन हो, वैसे तो आप ग्रेफाइटिस यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेट के सिम्टम्स पे। हमने देखा स्किन सिम्टम्स, बाद में देखा फीमेल मेल, और अब पेट के सिम्टम्स में भी बहुत अच्छे वाली यूज होने वाली दवाई है। पेशेंट को मीट, फिश, कुक फूड, सॉल्ट, स्वीट ये सब पसंद नहीं है और पेट में जलन होता है। जलन की वजह से उसको लगता है कुछ मैं खा लूं, और पेशेंट अगर कुछ खा लेता है तो उसको अच्छा लगता है। कुछ गरम ले ले, खास करके गरम मिल्क, तो पेशेंट को अच्छा फील होता है। स्टमक के कैंसर में अच्छी यूज होने वाली दवाई है। और इसका गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस की वजह से पेशेंट टाइट कपड़े पहन नहीं सकते, उसको लगता है मैं अपने कपड़े खोल लूं, पेट में जैसे गैस भरा हुआ रहता है, वो निकलता नहीं है, ऐसा फील होता है और पेट में दर्द होता है गैस की वजह से। तो गैस में भी अच्छी यूज होने वाली दवाई है। अब उसका स्टूल बहुत अच्छी दवाई है कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो लार्ज स्टूल होता है, ऐसे लगता है नोट, नोट्स मतलब गठन जैसे, और जोर करके निकालना पड़ता है। स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो भी खाया हुआ होता है वो स्टूल में निकल जाता है, बहुत बदबू वाला स्टूल होता है। तो कॉन्स्टिपेशन ग्रेफाइटिस में बहुत जरूरी रहता है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, और कॉन्स्टिपेशन डेज भर रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि आज दो दिन में गया, कुछ दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से एनस में मतलब टट्टी की जगह फिशर्स हो जाते हैं, वहां दर्द होता है, और इसकी वजह से फिशर्स में पाइल्स में यूज होने वाली दवाई है। नाखून की बात करके, नाखून एंटम क्रूड और थूजा की तरह वो ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब जल्दी टूट जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, उसका शेप चेंज हो जाता है, और उंगलियों के आगे फिशर्स हो जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं। तो नाखून और फ्रेश क्रैक्स एट द टिप ऑफ द फिंगर। अब हम आते हैं माइंड सिम्टम्स पे। हम चाहे कोई भी दवाई देना हो तो उसका माइंड जानना तो जरूरी है। विदाउट माइंड पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स लिए बिना हम कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो ये पेशेंट कैसा होता है? ग्रेफाइटिस पेशेंट माइल्ड होता है, टिमिड होता है, हेजिटेट होता है, कुछ भी डिसीजन लेना हो तो नहीं ले सकता है, पल्सेट इलाज की तरह, ये करूं कि वो करूं। अगर शॉपिंग करने जाएगा तो पेशेंट सोचेगा कि मैं ये चीज खरीदूं कि वो चीज खरीदूं, तो उस पर वो सोचता रहता है कि मैं क्या खरीदूं, तो डिसीजन नहीं ले पाता है पेशेंट। कैंट में से मैंने रूब्रिक लिया है, इरिजोल्यूशन इनडिसिसिव, तो उसमें कैंट में 106 दवाई है, आप देख सकते हो, बराटा का इग्नेशिया, लेकेसिस, ओनोसमोडियम, ग्रेफाइटिस भी है, पल्सेटिला भी है, तो बहुत सारी मेडिसिन है जिनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है। खुद को बहुत दुखी दुखी फील करेगा, वो भूल जाएगा, बोलने में भी भूल करेगा, लिखने में भी भूल करेगा, और पेशेंट रोता रहता है। कि कब रोता है? विदाउट एनी कॉज, कोई रीजन नहीं हो तो भी पेशेंट रोता रहेगा। वो म्यूजिक सहन, म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, लोग म्यूजिक से खुश होते हैं, डांस करने लगते हैं, लेकिन ये पेशेंट इतना सैड होता है कि म्यूजिक सुनते सुनते भी उसको रोना आ जाएगा। तो जो ये रूब्रिक है मैंने कैंट में से लिया है कि पेशेंट ऐसी कौन सी और मेडिसिन है जहां म्यूजिक से पेशेंट रोने लगता है, तो ग्रेफाइटिस के अलावा क्रियोसोट, नेट्रम कार, थूजा, डिजिटालिस, काली नाइट्रिकम, नेट्रम सल, नक्सोमिका, ऐसी 8 मेडिसिन है जहां पेशेंट को म्यूजिक से रोना आता है। जनरली क्या होता है, हम किस कोई हमें रिप्रीमेंड्स करता है, कोई हमें डांटता है, तो हम अपनी मुंडी नीचे कर देते हैं या तो दुख फील होता है, लेकिन ग्रेफाइटिस पेशेंट को, खास कहीं बच्चे को हम जब डांटते हैं ना, तो वो हंसता है हमारे सामने। और रेपर्टरी में एक ही मेडिसिन है कि लाफिंग एट द रिप्रीमेंड्स, कोई डांटता है तो ग्रेफाइटिस पेशेंट सामने हंसता है, उसको अंदर दुख नहीं फील होता है। और ग्रेफाइटिस के कुछ मेंटल सिम्टम्स हम देखते हैं, तो थिंक ऑफ नथिंग बट डेथ, बस मर जाना है, उदास रहता है पेशेंट। उसको पुरानी बातें बहुत अच्छे से याद रहती है, बचपन की बातें, लेकिन
अभी के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो पेशेंट भूल जाता है, कुछ मेंटल वर्क किया तो भी पेशेंट को थकान फील करता है, और पेशेंट जब काम करने बैठता है ना तो उसको पैर कॉन्स्टेंट हिलते हैं, रेस्टलेस फील करता है, एंशियस फील करता है, ऐसा जिंकम में भी हमने देखा है। अब माइंड के बाद फिर से स्टूल सिम्टम्स और जीआईटी सिम्टम्स ले लेते हैं तो स्टूल पे म्यूकस आ जाता है, पेस्ट्री टाइप स्टूल होता है, पाइल्स। पाइल्स कब होते हैं कि जब पेशेंट बैठता है तब, या तो जब लंबी फलांगे लेता है, थोड़ा पैर लंबा करके चलता है तब उसको पाइल्स में पेन होता है, टट्टी की जगह खुजली आएगा पीरियड्स के पहले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की दवाई है, अगर कुछ खाने में गलती किया तो आपको डायरिया भी हो सकता है। मैंने बोला ना सिर से पांव तक इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है, तो हेडेक पीरियड्स के वक्त होगा, साथ में नौशिया भी होता है, और सिर में से स्किन डिजीज हो जाता है, मतलब एक क्रस्ट बन जाता है और सिर में भी कुछ डिस्चार्ज निकलता है, और उसकी वजह से जो बाल होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, सिर में भी एक्जिमा टाइप स्कैब बन जाते हैं और स्कैब के नीचे से डिस्चार्ज होता है, आंखों में इन्फेक्शन होता है, पेशेंट आर्टिफिशियल लाइट को सहन नहीं कर सकता है, जो आईलिड्स है उसमें भी सूजन आ जाती है, रेड बन जाता है, यहाँ भी एक्जिमा हो जाता है, यहाँ भी फिशर्स बन जाते हैं, तो ड्राइनेस जहाँ पे है यहाँ पे आईलिड्स पे भी ड्राइनेस फील होता है, कान में से भी ड्राइनेस फील होता है, कान के पीछे मैंने बताया कि ये कान के पीछे इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है, उसके इरप्शन ज्यादातर कान के पीछे होता है, वहां क्रैक्स बन जाती है, कान में से वाइट रसी निकलती है, और एक ये सिम्टम्स भी देखने जैसा है और थोड़ा विचित्र लगेगा कि पेशेंट को शांत जगह में अच्छा नहीं सुनाई देगा, लेकिन वो ट्रैफिक में होगा या जब व्हीकल पे होगा तो जब और आवाज होगी तब उसको लोगों की बातें बहुत अच्छे से सुनाई देगी, तो एक थोड़ा हटके सिम्टम्स है, और साथ में टीनिटस मतलब कान में जो आवाजें आती है, बहुत लोग उससे परेशान होते हैं, और उसका मेरा अलग से वीडियो है टीनिटस वर्टिगो पे, आप जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और होम्योपैथिक में उसकी अच्छी दवाइयां हैं, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इससे। नाक के सिम्टम्स में उसको फ्लावर से प्रॉब्लम होता है, मतलब लॉस ऑफ स्मेल, और नाक से मतलब नोज ब्लीड होना पीरियड्स के पहले, और पीरियड्स के वक्त उसको सर्दी हो जाती है, कैन नॉट बेयर द स्मेल ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्मेल से उसको परेशानी होती है, नाक बंद हो जाता है, नाक में से क्रस्ट बन जाते हैं, जैसा ही सुबह आंख खुलता है उसको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, नाक से पानी आता है ठंड की वजह से, चेहरे पे तो कोबवेब सेंसेशन, मतलब उसको पेशेंट को ऐसा फीलिंग होता है कि कुछ चलता है मेरे चेहरे पे, तो उसको बार बार वो साफ करने लगेगा, पीरियड्स के पल्ले एक्ने होना, पिंपल्स आना, उसके लिप्स पे क्रैक्स हो जाते हैं, माउथ के आसपास भी एक्जिमा की वजह से, वहां भी एक्जिमा के इरप्शन आप देख सकते हो, बार बार इच, मतलब जब आप बाहर कुछ शेविंग वगैरह करवाते हो और उसके बाद आपके स्किन पे कुछ इरप्शन हो जाते हैं, तो बार बार सी जैसे, और मेडिसिन मैं बहुत यूज करता हूँ वो सल्फर आयोडाइड है, वैसे ही ये बारबरसीज की भी मेडिसिन है, और कोबवेब सेंसेशन इसका अच्छा सिम्टम्स है, कुछ चल रहा है ऐसा फीलिंग आता है, तो कब उसके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो कोल्ड में या पीरियड्स के वक्त या पीरियड्स के बाद, या कोई डिजीज आप सप्रेस करते हो स्किन डिजीज तब, या तो हॉट ड्रिंक से प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से कब प्रॉब्लम बढ़ता है वो बताया है, और कैसे पेशेंट फील अच्छा करता है, तो ओपन एयर में ठीक अच्छा होता है, और खास करके के पेट के प्रॉब्लम में जब वो गर्म चीजें लेता है, खास करके गर्म दूध लेता है तब उसको अच्छा लगता है। अब ये बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बताया आपको कि मैंने देखा है कि इसमें ग्रेफाइटिस में मैंने बहुत एग्रावेशन देखा है, मेरी शुरू की ही प्रैक्टिस का मैं एग्जांपल दूं तो एक एक्जिमा का पेशेंट आया था और सेम यही डिस्चार्ज था और मैंने ग्रेफाइटिस दे दी और ग्रेफाइटिस के बाद इतना ही एग्रावेशन आया कि पेशेंट सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया,
तो मैंने देखा है कि जब भी फ्रिक्वेंट रिपीटेड करते हैं लोअर पोटेंसी में, तब ग्रेफाइटिस में एग्रावेशन आता है, उसका सारा एक्जिमा बढ़ जाता है। और लोग डॉक्टर भी कई बार ऐसे समझा देते हैं कि ये तो अच्छी साइन है, आपका डिजीज बार आता है। तो डिजीज बार नहीं आता है, एग्रावेशन है मेडिसिन का। तो इसलिए एग्रावेशन को अवॉइड करने के लिए मैं ज्यादातर LM पोटेंसी में, जो 50 ml 0/1 0/2, उस मेडिसिन में मैं ग्रेफाइटिस यूज करता हूँ। जब एक्जिमा टाइप का इरप्शन हो या स्किन डिजीज में मुझे पेशेंट को देना है, तो मैं LM पोटेंसी में दवाई देता हूँ, या तो मैं हायर पोटेंसी में, मतलब 10 ml पोटेंसी में, मैं क्या बोलता हूँ पेशेंट को, 1 कप पानी में, 100 ml के पानी में 10 गोली आप ग्रेफाइटिस 10 ml की डिजोल्व कर दो, उसका 1/3 पार्ट, मतलब 33% आज लो, 1/3 पार्ट मतलब बाकी का 33% कल लेना है, और जो बचे वो परसों लेना है। इस तरह से 10 गोली का पानी 3 दिन में मैं डिवाइड डोज में लेने के लिए बोलता हूँ। और जब आप मेंटल पे या तो स्किन के अलावा और कोई सिम्टम्स के लिए, और कोई डिजीज के लिए आप दे सकते हो पेशेंट को दवाई, तो आप 200 1 ml पे आप आराम से दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी दवाई है, मैं मेरी प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छे से यूज करता हूँ प्लीज। लेकिन उसका एग्रावेशन आप ध्यान में रखना। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।